अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि जो नीचे आपको लाल रंग का बटन दिख रहा है तो इसे प्रेस करें ज़ोर से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और नहीं करते ना फिर क्या करूँ, इसलिए कह रहा हूँ ज़ोर से करें, पते हो जाए। तो अभी जो है ना टाइम तकरीबन होने वाला है 3 का। तो आज जो है ना हम जा रहे हैं हुरिया की नानी के घर और फिर आपी के घर। तो अभी हम जो है ना पूरा दिन अभी से लेके शाम तक पूरा दिन हम जो है ना रिश्तेदारों में जो रिश्तेदार बच्चे हुए हैं उनके साथ जो है ना गपशप करेंगे। तो गोश्त जो है ना आपने थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा खाने से ना गोश्त गर्म होता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमने भी बहुत थोड़ा खाया मैंने तो, लेकिन बेगम साहब ने टिका के खाया है। अभी मुझे कह रही है कि ग्लूकोस ले आओ, वो ठंडा होता है, मुझे ना बना के दो। फिर मैं ग्लूकोस ले के आया हूँ तो उसने बना के पिया है। क्या है हुरिया कह रही है मुझसे बात करवाओ इनकी। अभी मैं आपकी हुरिया से भी बात करवाता हूँ। तो अभी चलते हैं हम, तो वीडियो काफ़ी दिलचस्प होगी, पूरी वीडियो देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप आज भाई। हुरिया का ये ड्रेस भी देख लें। तो हुरिया जो है ना तकरीबन हर 3 घंटे बाद अपना ड्रेस चेंज करती है। ये ब्लैक सूट हुरिया ने पहना हुआ है आज और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हुरिया पे। और नीचे जो इसकी सलवार बनी हुई ना, इसको दही भले वाली सलवार कहते हैं। नहीं नहीं, मैं कल याद कर रही थी, किसी पूछा है, लेकिन अब फिर भूल गई हूँ। अच्छा चलो शुक्रिया, मैं तो दही भले वाली ना रख दिया इसका। तो आज हम बहुत ज्यादा थक गया क्योंकि सुबह से हमने घर का काम किया, तो फिर हम हुरिया के चले गए तो इनका हिस्सा था, तो वहाँ से हिस्सा ले आया अपना। तो वहाँ कुछ गरीबों में जो नज़दीक थे तो गरीबों में दिया, तो यहाँ लेकर आया तो 7 जिनके हिस्से नहीं थे तो उन्हें हमने दे दिया। तो बाकी का जो बच्चा है ना, तो 7 हमें जो जिनके बकरे थे ना उन्होंने थोड़ा थोड़ा गोश्त दिया, हमने इकट्ठा करके वो बना लिया था, वो खा लिया था, लेकिन हमारा हिस्सा बाद में आया। तो जब हुरिया के हिस्सा लेकर आया तो मैंने सालन वगैरह बना लिया था। तो अभी जो थोड़ा सा बचा हुआ है तो बस थोड़ा सा रखा है अपने लिए, क्योंकि बाकी सारा हमने बांट दिया गरीबों में। तो 7 हम सहे, हमें देखो हुरिया भी मुझे मार रही है। तो मैंने सारा जो है ना इससे मैंने वो अच्छी तरह गाल लिया है। हमारे हिस्से में से बच्चा है वो यही है बस। हाँ, बाकी हम 7 जो हमसाए हैं और रिश्तेदार हैं तो जिनके हिस्से नहीं थे तो उनको हमने बांट दिया। तो जो दूसरा बच्चा हुआ ना, काफी लोगों ने हमें दिया है बकरे का गोश्त। बकरा तो हमारा नहीं था, तो ये जो है ना मेरी सासू माँ और अबू जान खाते हैं शौक से। हाँ, तो उनके लिए अलग मैंने कहा उबाल कर इसे निकाल कर अलग शापरों में फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हमारे देहात में जो है ना ये नमक डाल कर ना उबाल कर फिर खाते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ कि ये सामने आप देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे समझ ले कि जो हमारे देहात के लोग हैं ना ऐसे बना के खाते हैं जी। ज्यादा वो मिर्चे और मसाले वाली चीजें नहीं डालते। हाँ, इसमें नमक डाला हुआ है इस गोश्त में और ये अच्छी तरह गला हुआ है। ये देखे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे, ये अच्छी तरह गला हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ये इसमें ना घी डालते हैं, ये इसमें चर्बी जो होती है ना उसी में ये पकता है। तो ये नमकीन गोश्त होता है, इसे ज्यादातर हमारे जो देहात के लोग हैं ना ऐसे ही खाते हैं। अगर हमने शापर में डालकर रख देंगे, अगर किसी को दिल करेगा तो मिसाले वाला या कोई और ऐसे खाएगा तो उसके थोड़े से मिसाले डाल अलग से बना देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे देहात में जो मेरी सासू माँ कहते हैं कि हम तो कभी ये सालन बनाते भी नहीं थे पहले। हाँ, पहले जब तो जब कुर्बानी का महीना आता था, जब कुर्बानी का दिन आता था, तो हम ऐसे ही उबाल कर नमक डाल कर फिर खा लेते थे। ऐसे बिल्कुल। हाँ, हमारे बुजुर्ग मुझे दादा कहते हैं कि हम जो है ना जब कुर्बानी आती थी ना तो हमने कभी वो उस दौर में इतना वो नहीं होता था, वो कहते हैं हम जो है ना अपना गोश्त जो है ना ये इसे सुखाते थे वो। हाँ, मैंने कहा कि अभी मैंने सुखाना है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ हुरिया की नानी के घर। आपके पास तो इतना बचा नहीं है, आप सुखाएंगी क्या? थोड़ा सा मुझे शौक था, मैंने कहा इसे थोड़ा सा जाना कीमा बना कर रख देते हैं सुखा कर। तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कल इंशाल्लाह थोड़ा सा बचा हुआ है जो दूसरे लोग दे गए हैं, तो 2 किलो के नज़दीक है, तो वो मैंने फ्रिज में कच्चा ही रख दिया है, तो उसे गाल कर फिर उसका कीमा बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं, अभी आपको सैर करवाते हैं। आज अहमद और हसनैन ने ना आज 20-20 की 2 ऐन के लिए और स्टाइल बनाया हुआ है पूरे। जो लड़का थे उसे कहते हैं हम ऐनक लेके आए आज, आपके पास है ही नहीं। अभी हुरिया का वेट कर रहे हैं, हुरिया आ जा फिर चलते हैं। तो मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आज, आज मज़े हो गए हैं। बारिश नहीं है लेकिन उधर बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा, सियालकोट इधर मैं देख रहा था अभी वीडियोस तो कि बारिश बहुत ज़्यादा थी।
हुरिया आ जाए, हुरिया वो आ गई है, हुरिया हुरिया आ गई है, हुरिया आ चलें हुरिया। हाँ पता चल गया है, हुरिया चलेंगे, हुरिया चलें, हैं चलें 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 मोटरसाइकिल पे। हाँ ऐनक देखें भी, हुरिया ने ऐनक लगाई है। नानी के घर, हुरिया दी नानी के घर, हुरिया दी नानी के घर, नानी के घर। हाँ चले, बस आज स्पेशल आप ही ने इंतज़ाम किया है, तो ये देखें इन्होंने बनाया है ये बकरे का गोश्त। अस्सलाम वालेकुम, आप ही बहुत बहुत ईद मुबारक, सब लोगों को भी ईद मुबारक। चम्मच धो आवे मां यार, यार ये कोई बात है यार, आप पहले शुरू हो गए। इब्रार भाई चम्मच तो ले आए, पर भूख लगी है यार, खाना दूँ। चम्मच ले, कितनी भूख लगी है? घर बैठा हूँ, घर बैठा हूँ, लग तो मज़ेदार है, देखो फिर क्या होता है, इंशाल्लाह मज़े का ही होगा। अभी जाना हम खाना शुरू कर रहे हैं, तो साथ में इन्होंने चावल भी बनाए हैं और रायता भी साथ में है, तो स्पेशल दावत आज दी है अभी हमें और सलमान भाई को, सलमान भाई और मुझे। माशाल्लाह से खाना जो है ना हमने खा लिया है, और खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। हाँ, और अभी हम आए हैं इधर ठंडी हवा चल पड़ी है, तो इसलिए हम इधर बाहर आ गए हैं, तो हमने कहा थोड़ी हवा लगवाई जाए। सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह बहुत मज़े की गुजरी और बहुत ही मज़ा आया, पूरा दिन ठंडी ठंडी हवा चलती रही क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा था, पूरा दिन हमने काम किया, पता नहीं चल रहा कि काम किया है या नहीं किया। बस अल्लाह ताला कबूल करे हर मुसलमान, अल्लाह ताला की रहमत हो गई ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी, बादल से आ गए और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, इतना मौसम अच्छा था कि सुबह को ऐसा लगता था कि अभी के अभी बारिश होने वाली है। और अल्लाह ताला हर मुसलमान की कुर्बानी कबूल करे, अल्लाह ताला जिस मेरी बहन भाइयों ने कुर्बानी की है, अल्लाह ताला उनकी सब मेरी बहन भाइयों की कुर्बानी कबूल करे। आमीन। और हमारे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमसे बन पाया, जो कुछ हमने किया है, अपनी कुर्बानी दी है, वो भी हमारी अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। चलो ठीक है, खाना खा के ना छत पे आ गए हैं सब, सुकून है अब। सलमान भाई हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे एसी के नीचे सोया बंदा, फुल मौसम। हाँ भाई तू सुना, इसने तो खाया ही नहीं है खाना, ये सिर्फ बनवा सारा दिन बना अपना, लेकिन दिल ही नहीं गया खाना खाने का ना। क्यों? इंसान बकरा जीबा करता है, उसको भूख देखता है ना, बंदे की भूख खत्म हो जाती है, कल पता नहीं भूख लगे तो भूख खाएगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाल अजीब कटवाए हैं आपने? हाँ, फिर देख कर। कौन सा नहीं था? इंटरनेशनल नहीं था। इंटरनेशनल नहीं था। हसीब इधर बोलो, हसीब इधर। हसीब से पूछो कौन से नए से बाल बनवाए, कौन से नए से बाल बनवाए हसीब? ओ नो, ये देखे, ये 300 रुपए का नुकसान कर दिया अभी अभी फौरन, बारिश घर हो चुका है और इस साइड से बहुत गहरे बादल हैं, किसी वक्त बारिश हो सकती है, सुबह की यही हम कह रहे हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं है, मौसम काफी खुशगवार है।